मैं तुझे मार डालूंगी, मार, मैं तुझे मार डालूंगी। तू कहाँ भाग रहा है, तू इधर आ, देख एक को तो मार दिया ना, बस तेरी बारी है अब, ठीक है? ये क्या कर रही हो तुम? बैलून्स को मार रही हो? ये मेरे दुश्मन है, बैलून्स नहीं है। और ये क्या किया तुमने? ये एक तो मार ही दिया ना, बस अब इसकी बारी है, इसको मारना है मुझे, ये मेरे दुश्मन है, बहुत बड़े दुश्मन है। ट्यूबलाइट हो क्या तुम? ये भी गया, अब सुकून मिला है मुझे। नो गॉड, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्ती मैटिक। देखा आपने, इन्होंने कितना गुस्सा उतारा है। दो बंदों का मर्डर किया है इन्होंने, दो बंदों का। दो बंदे इनके दुश्मन थे और जिन्होंने इनको मार दिया है, बट वो दो बैलून्स थे, बैलून्स नहीं थे, वो दुश्मन थे, मेरे दुश्मन। एग्जैक्टली, ऐसे इन्होंने मेरे को तब भी बोला था, और वो दुश्मन ही थे ना कि वो बैलून्स थे। क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे राउंड टू हेल ट्यूबलाइट वीडियो पे रिएक्शन देना था। ओह माय गॉड, तुम बिना डरा दिया मेरे को। मैं तो सोची पता नहीं यार किस किस को मारेंगी, है चाकू भी ले रखा था हाथ में। एनीवेज फ्रेंड्स, आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। और आप सब जानते हैं जैसे कि सलमान भाई की ट्यूबलाइट मूवी आ रही है, जिसको लेकर फिलिप्स वाले बेहद नाराज दिख रहे हैं। तो आइए आज की डिबेट शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्लैक में फिल्मों के टिकट बेचने वाले यूपी के मशहूर लफंगे गुंडे निरही बदमाश, मेरा मतलब यूपी के मशहूर रोमियो भाई। दूसरी ओर से ये सलमान खान के बहुत बड़े भक्त, उनके बहुत बड़े मुरीद, ये अपने आप को जरा भी कम नहीं समझते सलमान खान से। और आखिर में ये है सलमान खान के पर्सनल बॉडी गार्ड चेहरा। इनके जिस्म को देख कर लगता है कि इनको खुद एक पर्सनल बॉडी गार्ड की जरूरत है। फिलिप्स वाले बेहद नाराज, तो इन सब पता करते हैं क्यों है इतने नाराज, बताना चाहेंगे आप कुछ? जल्दी बताइए, बॉलीवुड में चल गया रहा है, शाहरुख खान फैन लिया है, हमने जब भी कुछ नहीं बोला है। सलमान खान ट्यूबलाइट ला रहा है, हमने जब भी कुछ नहीं बोला। अगर कल कल आपको आमिर खान सीएफएल ले आते हैं तो हम तो लुट जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, आमिर ला रहे हैं सीएफएल। अरे क्यों फटवाने फिर रहा? तो आइए मिलते हैं सलमान खान के पर्सनल बॉडी गार्ड छेरा से, इनसे पूछते हैं कि ये ट्यूबलाइट के बारे में क्या बताती है। लेकिन लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक भाई को हमने लगाया डब, दूसरे को पिलाई कच्ची दारू। कच्ची दारू वाले के चेहरे में भी रोना और चका। तो ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आइए इस बार सलमान खान के भक्त, मतलब सलमान खान के फैन, उनसे राय लेते हैं ट्यूबलाइट मूवी के बारे में। लेकिन लेकिन उससे पहले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। एक भाई को हमने लगाया डब, दूसरे को पिलाई कच्ची दारू। मुझे फिलिप्स वाले काफी नाराज नजर आ रहे हैं, तो इनसे जानते हैं दोबारा। मुझे बताइए ट्यूबलाइट से पहले उनका बल्ब कहाँ है, सीएफएल कहाँ है, मरकरी कहाँ है, जीरो पॉइंट का बल्ब कहाँ है, बताइए आप। और ये जो सलमान भाई ट्यूबलाइट ला रहे हैं, ये ट्यूबलाइट वो मेरी कंपनी की है, मेरी। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, सूर्य कंपनी की है। तुम कैसे कह सकते हो भाई सूर्य कंपनी की है? तुम्हारे पास कोई चश्मदीद गवाह है? अरे भाई साहब रुको, चश्मदीद गवाह भी है अभी, रुको। हेलो, हाँ प्रेमपाल, ओ चश्मदीद गवाह जो है उसे तैयार करो जल्दी, मतलब उसे लाइव दिखाओ भाई। हाँ जी सर, जो वो चश्मदीद गवाह मिल गया, जिसका दावा है कि ये ट्यूबलाइट जो यूज करी गई है वो सूर्य कंपनी की है। अरे साहब मैं तो ऐसा चश्मा पहन के निकल दिया कि इन्होंने मुझे चश्मदीद गवाह बना दिया। चश्मदीद गवाह पे बेहद दबाव डाला गया उसको अपना बयान बदलने के लिए। और अब सवाल ये उठता है, क्या ट्यूबलाइट लॉन्च हो पाएगी कि नहीं? ट्यूबलाइट तो लॉन्च होके रहेगी, चाहे वो फिलिप्स की क्यों ना हो। अगर ट्यूबलाइट लॉन्च हुई तो क्या? तो राडे चलेंगे। ओह माय गॉड, अरे भाई साहब लाइट लाइट में राडे लगी। ट्यूबलाइट बहुत फनी वीडियो थी, इन्होंने थोड़ा सा क्लिप में इतना कुछ समझा दिया, बड़ा मजा आया मुझे तो।
कहता है बाद में चलेगी बहस, पहले चलेगी एड। बोलता है कि ट्यूबलाइट से पहले जीरो बल्ब कहाँ है, सीएफएल कहाँ है, उसके बाद आई ना ट्यूबलाइट। हाँ, और ट्यूबलाइट लेके बैठा होता है, कहता सलवार खाने चलाइए ट्यूबलाइट। उसको मैं बताता हूँ, और वो चश्मे वाला उसको कहता है मेरे को खींच लिया और कह दिया गवाह बना दिया, अपनी जीत गवाई। एनीवेज, सो फनी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो थी ये, छोटी सी वीडियो और अच्छी वीडियो। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो, हम दोनों का रिएक्शन अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो नहीं मिलेंगी देखने की। बिल्कुल, तमन्ना सही कह रही है, और आज तो हमने इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया जैसे हम हर बार करवाते हैं कि मैं सरिता और ये तमन्ना। जैसे कि आप लोग सभी जान ही गए होंगे, ये सरिता और मैं तमन्ना। एंड फ्रेंड, बाय बाय।